कोर्ट में आकर के आपको पता चला हो कि तो दिव्यांग है, आपको आपके साथ कोई बड़ा धोखा तो नहीं हो गया हो? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। लड़का मान ले दिव्यांग है, उसके बावजूद लड़की बहुत सुंदर है, बीकॉम पढ़ी लिखी है, और उसके बाद भी शादी के पवित्र बंधन में बंध गए, जेल में चले गए थे। हाँ, जेल से मैं बाहर आया हूँ अभी। मैं लगभग 7 साल 6 महीने काट के बाहर आया। कल को इनके ऊपर बात आती है तो मैं सारी तरह से तैयार हूँ, लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यो भाई, कही गोली मार दे या भी आपके परिवार को डरा धमका रखा हो, कैसी कोई बात तो नहीं है? नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने ना कोई डराया, ना कोई धमकाया, ना कोई दुआ किसी, मतलब मेरी मन मर्जी है। जब प्यार का भूत उतरेगा फिर पछताओगे? कोई ना, बोलने वाले बोलेंगे, मेरा ना के बोलेंगे। अच्छा, आपको मुँह दिखाए में दो भैंस दो झोटी मिली है? दो नहीं, तीन। तीन भैंस मिली है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक स्टोरी मैं आप सबके सामने लेकर के आता हूं। तो भाई, भिवानी जिले का गांव गोलागढ़ है, इस वक्त हमारी टीम गोलागढ़ गांव में मौजूद है। तो भाई, अश्विनी भाई से मिलो पहले। सबसे पहले तो अश्विनी भाई, आपको राम राम। राम राम भाई। और भाई, अश्विनी की जो पत्नी है भाई मनीषा, सबसे पहले तो मनीषा जी आपको भी राम राम। नमस्ते, स्वागत है जी ग्राउंड मीडिया में आपका। थैंक यू। तो भाई, इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। भाई, आपने फिल्म देखी होगी, आपने फिल्मी स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज एक प्रेम कहानी यानी कि सच्ची जो घटना है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो भाई, मैं आपको अश्विनी भाई के बारे में बताना चाहूँगा। भाई, अश्विनी भाई दिव्यांग है, यानी कि पैरालाइज हो रहा है भाई का। करीबन करीबन 5 साल पहले भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण भाई बेड रेस्ट पे है। भाई, दोनों की लव मैरिज है और कोर्ट में दोनों ने शादी की है। और देखो, बहुत सारी लव मैरिज तो बहुत सारी हुआ है, लेकिन जिसमें मतलब भाई लड़का मान ले दिव्यांग है, उसके बावजूद लड़की बहुत सुंदर है, बीकॉम पढ़ी लिखी है, और उसके बाद भी शादी के लिए इन्होंने इनका हाथ थाम लिया, एक दूसरे जो दोनों है शादी का पवित्र बंधन में बंध गए। क्या बातें सच हैं जी मनीषा जी? हाँ भाई, बिल्कुल सच है। अच्छा, आप दोनों की जो शुरुआत है, जो भाई मान ले एक शादी का, जो एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए आप दोनों? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया पे फेसबुक चलाते थे या फिर इंस्टाग्राम को, किस किस प्रकार से? एक एप्लीकेशन थी यो नाम की, उस पे। अच्छा, उस पे क्या कुछ होता है उस एप्लीकेशन पे? ऐसे ही चैट वगैरह, वॉइस में बात, ऐसे ही होते। अच्छा, तो आप इनको पहले को जानते थे, आपके को क्लासमेट थे या फिर अड़ोस पड़ोस के गांव से, या कैसे इनको? नहीं, कैसे इनके साथ में कोई संपर्क? उस ऐप के साथ ही जानने लगे? हाँ, उस ऐप के जरिए। तो पहले दोस्ती हुई? हाँ, पहले दोस्त बने थे। अच्छा। तो उसके बाद? उसके बाद फिर बस दोस्त बनने के बाद धीरे धीरे ऐसे बात होने लग गई थी। अच्छा, इन्होंने आपको ये बताया था सोनी ने कि भाई मैं ऐसे पैरालाइज हूँ, मैं जैसे शरीर से इस प्रकार से मैं काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा हूँ, सोनी ने कुछ बताया आपको? हाँ, इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था 3-4 दिन के बाद में। तो उसके बाद फिर आपने फैसला लिया कि भाई जीना मरना इसी के साथ में? हाँ, सब कुछ इनके साथ में ही। को आपकी जो फ्रेंड हैं, आपकी बहन हैं, आपकी दोस्त हैं, देखो हर किसी के दोस्त होते हैं, आपकी फ्रेंड को भी आपने बताया होगा कि आपकी फ्रेंड ने, आपने किसी ने नहीं समझाया कि भाई अगर आप दूसरे से शादी कर लेना? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। चलो भाई। अच्छा अश्विनी भाई जी, सबसे पहले तो आपने भाई शादी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो आप दोनों की सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होने लग रही है, लोगों का आशीर्वाद है, लाड प्यार है, वो आप दोनों को मिलने लग रहा है, वो देखा आपने कमेंट वगैरह? हाँ, देखे थे कमेंट वगैरह, चेक करे थे कमेंट, तो अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं उन पर। तो भाई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन दोनों की जो लव स्टोरी है, करीबन करीबन आधा करोड़ यानी कि 50 लाख लोगों ने इनकी जो लव स्टोरी देख ली है। क्योंकि भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई सिंपल लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज तो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये एक ऐसी अनोखी लव मैरिज है जिसमें भाई लड़की ने एक लड़का का साथ निभाने खातर 7 जन्मा के लिए जीण मरण की कसम खा ली। अश्विनी भाई, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। तो आपने जैसे भाभी जी को कुछ समझाने का प्रयास किया था कि भाई नहीं, शादी नहीं करते हैं, और क्योंकि भाई आप देखो थोड़ा शारीरिक तौर पर परेशान भी हैं, तो आपने कुछ समझाया इसको?
मैंने सारी बात तुम्हें लिस्ट टाइम बताई थी, सारी चीज समझाई थी कि वो एक बात आता तेरी लाइफ का डिसीजन तेरा हाथ में है कि पूरी लाइफ, एक बात आता पूरी लाइफ नहीं, एक बात मुश्किल कटेगी अगर एक बात आप इतना बड़ा मान ले के अंदर कदम उठा रहे हो तो आगे मान ले एक बात दिक्कत भी आऊंगी, परेशानी भी आऊंगी, सारी चीजें मैं गुजरना पड़ेगा कि आप सोच समझ के एक बात कदम उठाइए उस चीज का। मनीषा आपने ये तो नहीं है भाई आपके साथ कहीं मान ले जब आप कोर्ट में आए शादी करने के लिए तभी मान ले इन्होंने ऊपरला जो हिस्सा उसके फोटो आपको भेजे हो या वीडियो कॉल की हो कोर्ट में आकर के आपको पता चला हो कि तो दिव्यांग है, आपको आपके साथ कोई बड़ा धोखा तो नहीं हो गया हो? ना ना ऐसी कोई बात को नहीं, सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी थी। कोई भी धोखा नहीं हुआ, मेरी मन मर्जी से सब कुछ हुआ। तो आपके जो जो परिवार वाले हैं उनकी क्या सहमति रही थी या फिर उनको बताया नहीं कि भाई हम शादी करने वाले? पहले तो ना बताया लेकिन शादी करने के बाद बता दिया था, अब तो दम अच्छे से बात हो गए। तो सोचा नहीं था आपने भी कि भाई लव मैरिज कर रहे हैं घर वाले हैं वो भी दुखी होंगे, जिन माँ बाप ने आपको पाल पड़ोस के बड़ा किया उनके साथ नहीं आपने इनके साथ रहने का फैसला कर लिया? घर वालों ने बुरा तब लगता जब मैं कोई अदर कास्ट में कर लेती, लेकिन अब तो घर वाले खुश हैं। खुश हैं तो आपने देखो मान ले भाई आर्थिक स्थिति के तौर पर भाई मान ले अब ये तो कमा नहीं सकते अभी तक तो, क्योंकि भाई देखो डॉक्टर से जैसे बातचीत हुई है ऑफ कैमरा भी जैसे इनके भाई साहब से बातचीत हुई थी को डॉक्टरों का कहना भाई कुछ टाइम के बाद भाई साल छः महीना में परमात्मा के आशीर्वाद से और ट्रीटमेंट से ये जो अश्विनी भाई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई, उसके बावजूद जो इनकी जो लाइफ है भाई उनका जो जीवन है अच्छे से चले, तो मतलब भाई कमाने का क्या आर्थिक जो सोर्स है भाई वो कैसे क्या रहेगा, अभी आपने ही कमा करके करना पड़ेगा? नहीं अभी तो हैं बड़े भैया हैं पापा हैं हमारी हेल्प करते हैं हमारे साथ में रहते हैं। अच्छा अब हमें सोचने। चलो भाई एक मैं तो भाई है भाई साथ में एक बार मैं भाई से मिलवा देता हूँ जो इसके बड़े भाई आप अश्विनी के। बिल्कुल राम राम भाई। राम राम जी भाई हैं अश्विनी के बड़े भाई हैं और देखो भाई परिवार जब मिलकर के साथ में रहता है उसी को परिवार बोलते हैं भाई, एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़ा हो। तो भाई आज अश्विनी भाई जो शारीरिक तौर पर दुखी है परेशान है तो इसके साथ में इसका भाई खड़ा है भाई। भाई जी आप ने जो शादी करवाई है भाई जो बताया कि आपका जो परिवार का जो अहम रोल है आप वो निभाने लग रहे हैं। बिल्कुल निभा रहा हूँ जी और निभाऊंगा जितने तक हूँ इतने। आगे का कल का किसी को क्या पता है, जब तक हूँ इतने निभाऊंगा। हाँ अच्छा आपकी माता जी का स्वर्गवास कैसे कैसे हुआ था? वो करंट लग गया था उनके और माइंडली रूप से थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हो गई थी वो, तो उस कारण उनको दिक्कत सी हो गई थी, वो एक्सपायर हो गई थी। अच्छा आप किस कारण, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो देखी थी मैंने आप कह रहे कि भाई जेल से मैं बाहर आया था। हाँ जेल में चले गए थे? हाँ जेल से मैं बाहर आया हूँ अभी, मैं लगभग 7 साल 6 महीने काट के बाहर आया हूँ। अच्छा जब ये आप जैसे ये बातें बोलते हैं कि मैं जेल से बाहर आया हूँ 7 साल के बाद, कई लोग इंटरव्यू को देख करके ये भी कहेंगे क्या पता आप लोगों ने लड़की को धमका रखा हो, ऐसे प्रेशर में रख रहे हो इसको? नहीं जी ये तो मतलब इनसे मेरी बातें हुई थी ठीक है और पहले पूछा भी था और इसमें प्रेशर वाली और दबाव वाली आज के दिन कौन किससे डरता है ठीक है, वो सिस्टम नहीं है, प्रेशर वाला दबाव वाला कोई सिस्टम नहीं है भाई। कल को इनके ऊपर बात आती है तो मैं सारी तरह से तैयार हूँ, लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो भाई कंधे से कंधा मिला करके भाई के साथ खड़ा है जो अश्विनी का बड़ा भाई है अजय, वो कह रहा है कि भाई जो कुछ भी होगा वो मैं परिवार के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मनीषा ऑन कैमरा है, वीडियो बनने लग रही है, कल पूरा देश आपकी वीडियो को भी देखेगा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं भैया तो नहीं भाई कहीं आप अजय से डर रहे हो ये हो भाई कहीं गोली मार दे या भी आपके परिवार को डरा धमका रखा हो, कैसी कोई बात तो नहीं है? नहीं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने ना कोई डराया ना कोई धमकाया ना कोई दबाव किसी, मतलब मेरी मन मर्जी है सब कुछ। थोड़ा ऊंचा बोलो जी, रोटी नहीं खा रहे? ना जी रोटी कौन खाई। अच्छा आपने भी रोटी नहीं खाई भाई? ना मैंने तो खाई थी रोटी। अच्छा 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 इस करके मंदी मंदी बोल मंदे मंदे बोलने लग रही है। अच्छा आपने एक फिल्म आपने मनीषा देखी होगी शायद आमिर खान की, वो उसमें जो लड़की है वो ना जी मैं तो हॉरर मूवी ज्यादा देखती हूं। अच्छा हॉरर देखा करो। इस करके ये जो सरप्राइज है ये दे दिया। अच्छा जो इसके जो परिवार वाले हैं जो रिश्तेदार हैं वो आते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, इनके पिताजी हैं, जो परिवार का जो माहौल है वो कैसा लगा आपने?
वो बिल्कुल मेरे परिवार जैसा पहले वाला था ना, मतलब कोई वो नहीं, मतलब यहाँ पे डर के नहीं रहना पड़ता, मतलब हंसी मजाक सब कुछ होता है, मतलब हर काम में मदद भी करते हैं। डर के नहीं रहना पड़ता वहाँ, आपने पीर में डर के रहते थे आप? नहीं डर के, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि उड़ा जैसे घर उठा रवाना, खुद का घर में रवाना, वैसे ही खुल गए उड़े रहूँ। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी यही 22 साल। 22 साल, देखो भाई उम्र भी 22 साल है, और पढ़ाई लिखाई के बारे में आपने बताना चाहूंगा, कितनी पढ़ रहे हैं जी आप? मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम दिए है भाई, बीकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं। कई जने नु कहते हैं जी प्यार अंधा हुआ है भाई, अंधापन में मतलब प्यार अंधा हुआ है, इस करके शादी कर ली, जब प्यार का भूत उतरेगा फिर पछताओगे, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। कोई ना बोलने वाले बोल लेंगे, मेरा ना के बोल लेंगे। अच्छा तो सुनने के लिए तैयार है? हाँ सुन लेंगे, कोई बात को नहीं, लेकिन अच्छे इंसान भी हैं। देखो पता है क्या है, जीवन में जो फैसला लिया है, जो अभी जो आगामी भविष्य है, उसकी मैं जो किरदार है उसकी वो आप हैं जी। क्योंकि देखो एक भाई, ये भाई हैं जिनका आपने साथ निभाया है, आप और ये दोनों मिलकर के ही आप दोनों जीवन चलाना है। दुख और जो सुख है, जो भी आएगा वो आपके जीवन में आएगा भाई, पता नहीं। देखो यदि अच्छी मेहनत करेंगे परमात्मा आपका साथ देगा, तो सुख ही सुख भी आएंगे। और भाई देखो दुख तो फिलहाल चल ही रहे हैं, जो चुनौतियाँ जो जीवन में आएंगी उनके लिए आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हैं, जब शादी के पवित्र बंधन में बंधे हैं तो सुख दुख इनके साथ में बांटना है अब तो, चाहे कैसे भी हो। जिस टाइम पर आप कोर्ट में थे भाई, जज के सामने आपके बयान हुए हो, उस टाइम पर कोई किसी ने कहा था भाई आप शादी कर रहे हैं, आप अपने होश-होश-वास में उसमें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो खुश है, खुश हैं दोनों? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है भाई जी, खुश हैं? हाँ सब खुश हैं। अच्छा अजय भाई बता रहे हैं भाई, कई जो व्यक्ति हैं उसमें अहम रोल है, अजय भाई किस किस का अहम रोल है इसमें? एक तो अपने भाई हैं ये लोकेश, राजस्थान से हैं, बाहर बैठे हैं जो अपने, एक तो ये और एक संदीप है सांगवान जिरवाई से, उस भाई का भी अहम योगदान है। एक अपने सरपंच साहब है जो फिलहाल सरपंच है डिगावा से, अजीत पीटीआई, उनका भी खास योगदान रहा है इसमें। बिल्कुल हाँ, देखो भाई कई जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनका भी इसमें रोल रहा है। और जो सुनने में आया था, एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ मनीषा से, मनीषा सुनने में आया कि मुंह दिखाई भाई, किसी को दो मतलब पैसे मिलते हैं, किसी को सोना चांदी मिलता है, आपको मुंह दिखाई में दो भैंस दो झोटी मिली है? दो नहीं तीन, तीन भैंस मिली है। हाँ जी मुंह दिखाई में। अच्छा दूध वाली है क्या वो? हाँ दूध वाली। अच्छा आपको धार निकालनी आती है? नहीं अभी तो नहीं आते, बट सीख लूंगी धीरे धीरे। चलो भाई वो हमें एक बार दो झोटी जो मिली है भाई इन्हें मुंह दिखाई में, वो किसने दी है जब भाई, वो किसने दी दो झोटी? वो एक अहला डेयरी फार्म है अपने घरेलू ट्रम्स है पुराने टाइम से। अच्छा। उनके साथ उनका पिताजी तो एक्सपायर हो गया, वो लड़के हैं अभी। हाँ हाँ। वो दो भैंसे तो वो दे के गए हैं। हाँ हाँ। और एक अपने ढिल्लू चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन है और ठेकेदार भी हैं, वो एक भैंस उन्होंने दी है। बिल्कुल आज एक बार दिखा दे भाई, आज भाई एक बार जो दो भैंस जो दी है भाई मनीषा और असवनी को, देखो भाई ये लोगों का आशीर्वाद इनको जो लगातार मिलने लग रहा है, और करीबन करीबन आधा करोड़ यानी कि 50 लाख लोगों ने जो सर्च किया है इनकी लव स्टोरी को, वो भी आपने वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार देखी है भाई। तीन झोटी दूध वाली जो है भाई वो मिली है, मनीषा बताने लग रहे भाई तीन झोटी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस लव स्टोरी में कि भाई मनीषा कह रही है कि चाहे कोई भी दुख सुख कुछ भी आए जीवन में, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और साथ में जो अश्वनी का जो भाई है बड़ा अजय, इनका भी ये कहना है भाई मैं अश्वनी और मनीषा के साथ में हूँ, चाहे किसी भी प्रकार आर्थिक तौर पर शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की सहायता करनी पड़े तो मैं इनके साथ में हूँ। तो भाई ये जो दो भैंस है भाई करीबन करीबन लाखों रुपए की भैंस है ये, क्योंकि 7,60,000 रुपए इसके लग गए एक के। कितने? 7,60,000 रुपए। 7,60,000 रुपए की दो भाई ये एक भैंस ये है, और भाई ये करीबन ये 2.5 लाख लमसम भाई 2.5 लाख रुपए की भैंस, यानी करीबन करीबन 10 लाख रुपये दो भाई इन्होंने, यानी कि मनीषा ने और भाई इसने अश्वनी ने मतलब मुंह दिखाई मिल गए और आने लग रहे हैं लोग। ठीक है काफी लोग आ चुके हैं। हाँ। अभी और वो ढिल्लू है अपने जो सुरेती से चेयरमैन जी, वो भी कल परसों तक वो भैंस डाल के गए थे, आए थे वो, और वो कल परसों तक वो भैंस भी आ जाएगी। अच्छा भाई जो रिश्तेदार हैं वो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, अड़ोस पड़ोसी हैं गाँव वाले हैं रिश्तेदार, खासतौर पर पहले रिश्तेदारों के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी शादी से पहले और शादी के बाद में? भाई रिश्तेदार किसे खुश होया करें
ठीक है, अच्छे काम में खुश होया करें भाई। अच्छा। पर पहले जो था, पहले भाई हमने किसी ने सपोर्ट नहीं करा। ई भाई सारे आन लग रहे हैं, ठीक है, सारे आओ भी हैं और मुंह दिखाई भी गाल के जान लग रहे हैं। बाकी फिलहाल देखो ऊपर तक खुश है, भीतर तक लेकिन ऊपर तक खुश दिखा है मन, खुश दिखा। हाँ। अच्छा, वो पूरा दौर भी देखा होगा जिस टाइम पर आप जेल में थे, उस तरफ से माता जी का स्वर्गवास हो गया और इस तरफ से मतलब भाई की कंडीशन ऐसी हो गई, वो जो दुख का दौर है वो भी काफी, वो जब सोचते हैं तो आत्मा रो उठती होगी। भाई घना बुरा टाइम देखा है, हमने भी बुरा टाइम देखा है, हमारे बाप ने भी बुरा टाइम देखा है, ठीक है। मैं भीतर चला गया था, मेरे अंदर जाने के बाद एक्सीडेंट होया था, ठीक है। मैं भी 7-7.5 साल की माँ का स्वर्गवास, 2009 में मम्मी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद आप जेल में गए थे? हाँ, जेल में मैं गया हूँ 2016 में। हाँ, घना बुरा टाइम देखा है भाई, पर वही बात है भाई, एक टाइम तो किसी का भी नहीं रहा, किसी का भी। हाँ, चलो भाई देखो, बुरे दौर से बुरे टाइम से गुजरा है परिवार, लेकिन देखो भाई बहुत कुछ कारण रहे है जीवन में, पता नहीं भाई किस व्यक्ति ने जेल में जाना पड़ जाए, पता नहीं भाई किस व्यक्ति के साथ में, यानी कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने भी 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ गया था, यानी कि सीता के पिता ने भाई, जो माता सीता है उसके पिता ने जनक ने अपनी बेटी के लिए राजा ढूंढा था कि मेरी बेटी राज करेगी राजमहल में, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरी बेटी भी 14 वर्ष तक वन में रहेगी, उसके बाद भी उसको वन ही मिलेगा। देखो भाई, चाहे किसी भी बेटी का बाप हो तो वह तो यही सोच कटो हुआ कि भी राजा महाराजा मिले या अच्छा परिवार मिले, लेकिन जो उसकी किस्मत में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता भाई। लेकिन जो अश्वनी और जो मनीषा की लव स्टोरी है भाई, ये कहीं ना कहीं एक अनोखी लव स्टोरी है भाई, प्रेम त्याग समर्पण एक भावना कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आने लग रही है। मनीषा के ऊपर विश्वास आपको? हाँ जी। ये तो नहीं भाई कहीं ऐसा तो नहीं भाई 2-4 महीने साल उसके बाद प्यार का भूत उतर जाए, भाई धोखा मिल जाए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको इसके परिवार को भी जानता हूँ मैं अच्छी तरह से, ठीक है। इसके मतलब भाई गांव है जो, वहाँ भी अपने अच्छे टर्म्स हैं, सब चीजें, इसका भी मतलब परिवार अच्छा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। अब उनसे बातें भी होने लगी और लगभग 6 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा और आंसू भी सही हो जाएगा 6-6 महीने के लमसम, सब कुछ सही। हाँ, सब कुछ। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया साथियों, हमारी तरफ से एक अनोखा प्रयास था, एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आए हैं भाई। इस लव स्टोरी ने लेकर आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है, अपनी राय रखे। यदि आपने ये लव स्टोरी अच्छी लगी तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन सुगिनचार के साथ मैं जवारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।